ये अखबार वाले भी ना कोई न्यूज़ नहीं देते, बस ऐड देते रहते हैं। अजी सुनते हो, कहाँ हो अजी, सुनते हो क्या? अजी ये देखिए, आज भैया के जेब से बीड़ी का बंडल निकला है और ये न जाने कब से पी रहा है। आपने कभी ध्यान दिया? ये देखिए बीड़ी भैया के जेब से। कहाँ खोर, बुलाओ उसे अभी। रो रहे होंगे दोस्तों, मैं अभी बुलाती हूँ। प्यार से ही बुलाना पड़ेगा इसे। ओए बीड़ी दे, बंडल लाया कि नहीं? भूल गया घर पे, अब क्या करूँ। माचिस के लिए चाहिए थे तुम, पता? माचिस से क्या तेरी फुफू में आग लगाएंगे? भाई जरा चुप रहना, मम्मी का फोन है। बेटा कहाँ है? घर पे पकोड़े बनाए हैं, जल्दी से आजा, तेरे लिए पसंद है ना? आज तो भाई वही पकड़ेगा, कहती थी मैं। समझा लेना अपने लाल को, नहीं तो मार मार के पीले कर दूंगी। ये सब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लालच देकर ही बुलाना पड़ेगा, वरना आएगा नहीं। मैं ही फोन करता हूँ। हेलो बेटा, कहाँ हो? अरे फिर से चुप रहना, घर से फोन है पापा का। हेलो पापा। हाँ बोल रहा हूँ भैया, बोल रहा हूँ। तो बेटा तुम कहाँ हो? बेटा तुम गाड़ी लेने का बोल रहे थे ना, आज मैंने पंडित से पूछा था तो उसने भी अच्छा मुहूर्त बताया है। तू जल्दी से घर आ जा, हम दोनों चलते हैं शोरूम और तेरे लिए एक अच्छी सी गाड़ी लेंगे। तू जल्दी आ जा घर पे। पापा मैं बस अभी 10 मिनट में आया। ओ भाई उगी माँ, तेरे डंडा निकाल के रख, तो स्वागत करना है। तो आज तो भैया जी गए काम से, तो चिंता मत कर भाई, अभी तेरी बहन जिंदा है। बस थोड़ी सी डिमांड है, पूरी कर देना तो तू भी बच जाएगा। हेलो कहाँ हो भैया जी? समंदर में तैर रहे हैं, तुझे क्या? अभी भूल से भी घर मत आ जाना। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जेब से बीड़ी निकली है, कूटने का प्लान चल रहा है। बहन हो इसलिए बता दिया, वरना मजा आ जाता तेरी कुटाई देखने में। तो भैया जी जरा शाम को आना, जब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा मम्मी पापा का। और हाँ आधे टाइम पर रबड़ी लेके आना, तेरी जान बचाई है। ओ मेरी बहना, बचाती रहना, तेरी दुश्मन की उम्र तुझे लग जाए।